हेलो एवरीवन सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से तो सब लोग जुड़ जाएं यहाँ पर एक बार मेरे साथ और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और जितने भी लोग यहाँ पर हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ जुड़ने के लिए मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ ऐप पर पढ़ने के लिए वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं आप कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा संजय टेंट कोड यूज़ करके ऐप पर मेरे साथ आप रेगुलर जुड़े रह सकते हैं वहाँ पर कंटेंट आपको मिलता रहेगा आप जाइए संजय जीरो वन आपको कोड यूज़ करिएगा और मेरा नाम आएगा तो आप उसको फॉलो कर लेना जिससे कि मेरे जितने भी आपके सेशंस होंगे आपको वहाँ पे ऑलरेडी मिलते रहेंगे ठीक है चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ में आपका दिया गया दिट्स इज कॉल्ड नाइनटीन इंडियन काउंसिल एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं और सेशन को लाइक like, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ पूछा गया इंडियन काउंसिल एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है नाइनटीन जीरो नाइन इंडियन काउंसिल एक्ट जो है इसको और किस नाम से जानते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस नाम से जानते हैं बताना होगा आपको देखो <laughs> मिंटो मार्ले रिफॉर्म यहां पे कहा गया किसके नाम से जानते हैं मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से इसको जानेंगे क्योंकि देखो उस समय आपके जो यहां पे थे लॉर्ड मिंटो वॉयसराय थे 1909 में लॉर्ड मिंटो क्या थे वॉयस राय थे हमारे यहाँ पर वो तो जो मारले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे क्या थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सचिव थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बोलते थे उसको आप और दूसरे थे ये वॉयस राय थे इंडिया के तो इनको दोनों को मिला के इसको कहा गया इंडियन काउंसिल एक्ट को मिंटो मारले रिफॉर्म कहा गया तो नाइनटीन को आपको जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसका दूसरा नाम जो है यहाँ पर वो मिंटो मार्ले रिफॉर्म होगा क्या होगा मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाएगा तो लोगों के नाम से जुड़ा हुआ अनेक्स पे आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन क्या है कहते हैं हु वॉट अबाउट अ कंप्रोमाइज बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916 मतलब कहा गया किसने मुस्लिम लीग और यहाँ पर इसकी बात की गई तो बिल्कुल सभी लोग शेयर कर देंगे सेशन को हु ब्रॉड अबाउट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में किसने समझौता करवाया था यहाँ पर ठीक है बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले एनी बेसेंट या सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसने दोनों के बीच में समझौता करवाया था यहाँ पर तो आपको बता दें जो यहाँ पे समझौते की बात हुई थी तो वो बाल गंगाधर तिलक जी ने करवाया था समझौता देट इज बाल गंगाधर तिलक नाइनटीन सिक्स में आप जानते हैं इंडिया में होम रूल लीग की स्थापना भी हुई थी उसी समय तो मुस्लिम लीग की जो बात मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज की बात की गई किसने करवाया था तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ था किसके द्वारा ये कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया था यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये करवाया गया था किसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने से कॉम्प्रोमाइज करवाया था ठीक है पहला ऑप्शन होगा यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं द रियल नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन वॉज रामचंद्र पांडुरंग रामचंद्र पांडुरंग किस नेता का वास्तविक नाम था ये क्वेश्चन पूछा गया है कुंवर सिंह का नाम था तात्या टोपे का नाम था नाना साहब तो का नाम था मंगल पांडे का नाम था तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था क्वेश्चन पूछा गया है कि 1957 में किस साहब के जो लीडर का नाम एक्चुअल नाम रामचंद्र पांडुरंग था किसका नाम है क्वेश्चन पूछा गया सिंपली बताना किस लीडर का नाम रामचंद्र पांडुरंग के नाम कुंवर सिंह जो आप जानते जगदीशपुर बिहार के थे ये तात्या टोपे का नाम था किसका नाम था क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था तात्या टोपे को लोग रामचंद्र पांडुरंग कहते थे ध्यान रखेंगे तात्या टोपे जो थे उनको कहा जाता था रामचंद्र पांडुरंग ठीक है ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्लियर अब बात करते नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग सेट इंडिया हैज टू यूनाइट एंड कंकोर द होल वर्ल्ड वंस अगेन विद द विद इट्स माइट कहा गया किसने कहा था इनमें सिर्फ लोगों से कि इंडिया हैज टू यूनाइट एंड कंकअर द होल वर्ल्ड कहा गया इंडिया एक होगा पूरी विश्व को विजय करके उसका एक लीडर बन के दिखाएगा अगेन एक बार फिर से विश्व का विश्वगुरु बनकर दिखाएगा स्वामी दयानंद जी ने कहा था यही बार या फिर ये बात रामकृष्ण परमहंस जी ने कही थी या स्वामी विवेकानंद ने कहा था या एनी बेसेंट ने कहा था किस नेता ने बात कही थी बिल्कुल सही बताया हाय सर सभी को हाय जितने भी लोग हैं सेशन को शेयर कर देंगे बिल्कुल देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखिए मैं इसीलिए करवा रहा हूं कि जब भी आप यूपीएससी का कोई पेपर देंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन वहां आपसे पूछी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसके लिए क्योंकि सभी में क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री एंसियंट और मिडवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आते हैं ऐसा नहीं मैं कहूंगा एनशियंट हिस्ट्री आते लेकिन बहुत रेयर सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट रेज मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो खासतौर तो से गांधी गांधीनगर से बहुत क्वेश्चन आता यहाँ पूछा कि किसने ये बात स्टेटमेंट ये किसका स्टेटमेंट कहा गया है ये ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये स्टेटमेंट जो आप पढ़ रहे हैं इसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सी ऑप्शन अब आगे कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन Which च वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ द of वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज कन्फर्म द टाइटल ऑफ महाक परी किसे टाइटल दिया गया महाक परी का टाइटल किसे दिया गया क्वेश्चन पूछा गया है जीनत महल को दिया गया हजरत महल को दिया गया लक्ष्मीबाई को दिया गया या आपके यहाँ पर नन ऑफ द पूछा गया विच वन ऑफ द दिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एटीन फिफ्टी सेवन महापरी का उदाहरण किसे दिया गया किसको इसका टाइटल दिया गया तो जल्दी से बताएंगे टाइटल किसे दिया गया है तो आपको बता दें ये टाइटल दिया गया, गया बेगम हज़रत महल को किसको दिया गया तो बेगम हज़रत महल जिनके नाम पे लखनऊ में हजरत मह हजरतगंज बसा हुआ है और हजरत महल पार्क भी बना हुआ है तो हजरतगंज और हजरत महल पार्क बना हुआ है बेगम हज़रत महल अवध के नवाब की वाइफ थी तो ये आपको दिया गया अवध से बिलोंग करती थी हजरत महल को कहा गया था महक परी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं आगे द कॉल ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वॉज गिवन बाई वेदों की ओर लोटो ये कॉल किसने दिया था वेदों की ओर लोटो ये कॉल किसका था स्वामी विवेकानंद का था स्वामी दयानंद सरस्वती का था अरविंदो घोष का था विष्णु शास्त्री पंडित जी का था किसका ये सोर्स था कि वेदों की ओर लौटो? तो आप जानते वेदों की ओर लौटने का सोर्स कैसे स्वामी दयानंद जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास हिंदी में कहेंगे वेदों की ओर लौटो। इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो नेक्स्ट बात करते हैं आगे मोस्ट अथॉरिटेटिव अकाउंट ऑफ मलिक काफुर बाई कहा गया मोर अथॉरटेटिव अकाउंट ऑफ किसने कहा गया था दिया गया था अकाउंट ऑफ द मलिक कैंपेन इज कपूर डेक किसके द्वारा दिया गया था सबसे अधिक यहाँ पे देखा गया यहाँ पर तो किसके द्वारा देखा मोर अथॉरटेटिव अकाउंट ऑफ मलिक कपूर किसके द्वारा दिया गया था तो यहाँ पे सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में बताएंगे किसके द्वारा दिया गया तो सेवेंथ में कहा गया ये जो मोर अथॉरटेटिव अकाउंट उस समय सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे जो होते थे दरबार में अकबर के दैट वॉज uh, अमीर खुसरो अमीर खुसरो मलिक कफूर अमीर खुसरो कहा गया है अमीर को दिया गया था ये कैंपेन इज गिवन बाय अमीर खुसरो अब क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे नेक्स्ट सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ देखिए पे यहां पर उनके भाई जौना खां जो आपके यहाँ पर जिसने इसे डेवलप किया था उसने अपने भाई जौना खां के याद में जौनपुर को बनाया था जौना खां नाम था उनका अब आप बताइए किसका नाम जौना खां था और किसने इनके लिए बनाया था तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था आप जान लीजिए और फिरोज शाह तुगलक ने ये बनाने की जिद की थी कि वो बनाएंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा था कि जौनपुर बसाया जाएगा और अपने भाई जौना खां के याद में बनाया जाएगा ये क्वेश्चन पूछा कि जौना खां फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था बिल्कुल सही जौना खां की याद में बनाया गया था ये ठीक है आपको याद हो गया ये जौना खां की याद में बनाया था तो जोना बिन तुगलक आते हैं नेक्स्ट फाउंडर ऑफ द सूफी ऑर्डर इन इंडिया ऑर्डर ऑफ द सूफी ऑर्डर इन इंडिया ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है फिर आपका यहां पर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख निजामुद्दीन औलिया शेख नसीरुद्दीन महमूद कौन थे सूफी फाउंडर फाउंडर ऑफ सूफी इन इंडिया कौन थे जल्दी बताओ तो सभी लोग का जवाब आ रहा है यहां पर ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल सही बात है ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती थे यहाँ पर जो सूफी के फाउंडर थे इंडिया में ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी हैं तो ये फाउंडर थे सूफी सेंट्स के तो ये आपका होगा ए ऑप्शन यहाँ पे होगा राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं आगे अगला क्वेश्चन है दसवा नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग केम टू इंडिया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1946? फोर्टी सिक्स नाइनटीन फोर्टी सिक्स में कौन भारत आया था यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है इससे आपसे ईयर पूछा जाएगा कि नाइनटीन फोर्टी सिक्स में और कौन आया था तो आपका देखिए नाइनटीन फोर्टी सिक्स में भारत में संविधान सभा को बनाने के लिए कौन आया था कैबिनेट मिशन प्लान आया था कौन आया था कैबिनेट मिशन प्लान आया था इसका काम क्या था टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट इंडियन कॉन्स्टिट असेंबली भारत की संविधान सभा बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट कहा गया था नाइनटीन फोर्टी सिक्स में कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया था यह नाइनटीन फोर्टी सिक्स में भारत का जो संविधान सभा किस प्लान का हिस्सा है तो आपको सिंपली लिखना है कैबिनेट मिशन प्लान का हिस्सा है इसमें तीन लोग आए थे भारत जिसमें स्टीवर्ट क्रिप्स थे पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे ये तीन लोग थे कैबिनेट मिशन प्लान का हिस्सा इन तीनों लोगों को भारत के संविधान सभा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी ऑप्शन नंबर बी होगा ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया द स्टेटमेंट आई एम सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन एंड इन एसोसिएटेड विद ये किसके साथ जुड़ा हुआ है किंग एंड प्रिंसेस पूछा कि, uh, कि किससे जुड़ा हुआ सेंटेंस है ये आपको बताना किससे जुड़ा हुआ सेंटेंस जल्दी बताए <coughs> जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट ये कहा था इसने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू थे कौन थे जल्दी बताएं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ठीक है आगे आते हु द फॉलोइंग लीडर्स यहां पे सिंपल पूछा गया द फॉलोइंग लीडर्स स्केप फ्रॉम द प्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ऐसे के यहाँ पे शासक थे जो अंडरग्राउंड मूवमेंट को लेकर चल रहे थे तो जी बताएं किसको लेकर चल रहे थे अंडर ग्राउंड को लेकर चलने वाले शासक कौन थे यहाँ पर जल्दी से शेयर करते रहेंगे और बताते रहेंगे तो जो आ, निकल गए थे जेल से और आपके यहाँ पर चलाते रहे तो ट्वेल्थ का यहाँ पे आंसर क्या होगा जयप्रकाश नारायण कौन थे जयप्रकाश नारायण थे जो अंडरग्राउंड हो गए थे यहाँ पर क्या हो गए थे अंडरग्राउंड हो गए थे डूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चला रहे थे अंडरग्राउंड मतलब दुनिया के सामने आए बिना ऐसा नहीं जमीन के अंदर ठीक है दोनों में रख दिया जाएगा डोंट वरी हु द फॉलोइंग वॉज द वन ऑफ द वन टू हैव एस्केप बींग हैंगड इन द काकोरी कॉन्स्परेसी केस हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वन ऑफ द हैव टू एस्केप बीग अंग्ड इन द काकोरी कॉन्स्परेसी केस मतलब कहा गया कौन सा था इसमें जो बच गया था फांसी से काकोरी कॉन्स्परेसी केस में इसमें पूछा गया काकोरी जो कांड था या सड़यन था उसमें से किस इंसान को फांसी से छूट मिल गई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि किसे फांसी से छूट दी गई थी तो आप बता दें चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर फांसी नहीं मिली थी आपको पता चंद्रशेखर आजाद अपने आपको खुद गोली मारी थी बाकी सबको फांसी दी गई थी लेकिन चंद्रशेखर आजाद को फांसी से मुक्ति मिल गई थी ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं ऑफ द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू चित्रंजन दास बाल गंगाधर तिलक तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे दैट वॉज चित्रंजन दास चित्रंजन दास थे स्वराज पार्टी के संस्थापक जो इनमें से चित्रंजन दास वज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी ये नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे फिफ्टीन क्वेश्चन बढ़ा के आपसे साथ हु एड्रेस गांधी एज द फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा क्योंकि इसके बाद तो बहुत लोगों ने कहा लेकिन पहली बार राष्ट्रपिता का जो उनको उपाधि दी गई वो किसने दी थी गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले कौन थे जल्दी बताया गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले कौन थे तो सुभाष चंद्र बोस ने ने कहा था फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था फादर ऑफ नेशन ये आपसे क्वेश्चन आता तो दैट वॉज फादर ऑफ नेशन ठीक नेक्स्ट पे आते हैं सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है यहां पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिफ्यूज द ऑफर ऑफ द क्रिप्स मिशन पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है दूसरा स्टेटमेंट कहता है द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 फोर्टी सिक्स एंड हैड नॉमनी ऑफ द कांग्रेस ओनली नॉट दो ऑफ द मुस्लिम लीग तो यहाँ क्वेश्चन कहा गया बोथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया क्रिप्स मिशन को मना कर दिया तो यहाँ स्टेटमेंट कहे ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने मना किया था बट इंट्रीम गवर्नमेंट तो फॉर्म नाइनटीन फोर्टी सिक्स एंड नॉमनीज ऑफ तो कांग्रेस है ओनली एंड नॉट डोज ऑफ मुस्लिम तो ये बात गलत है सभी लोग थे इसमें शामिल ऐसा नहीं मुस्लिम लीग नहीं तो ओनली वन यहाँ पे सही होगा बाकी क्या होगा सेकेंड वाला गलत हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपन अर्लीस्ट मतलब कौन सबसे पहले हुआ ये चार स्टेटमेंट आपको दिए हैं चार घटनाएं दी हैं इनमें सबसे पहले क्या हुआ ये बताना है। सबसे पहले क्या हुआ था मतलब ये जो चार घटनाएं मैंने दी हैं इनमें सबसे पहले क्या हुआ था जितने भी आपकी घटनाएं साइमन कमीशन कब आया नाइनटीन फोर्टी ट्वेंटी सेवन में त्रिपुरारी सेशन त्रिपुरारी सेशन, त्रिपुरारी सेशन आपको बाद में हुआ गांधी इनफैक्ट बाद में गया सेशन उससे पहले क्या हुआ था गया सेशन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया था आपको और जब आप लोग हमारे साथ लंबे समझ पढ़ रहे हैं तो मैंने जब सबकी कभी कराया है इंडियन फ्रीडम को स्ट्रगल को आईएनसी सबसे पहले करवा दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस जिससे कि आने वाले समय में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी महत्व को समझे पहले बार आपको जब पढ़ेंगे तो एक आउटलाइन मिलेगा सेकेंड टाइम जब रिपीट कर रहे होंगे तो आपको दिमाग में बिल्कुल एक क्लियर कॉन्सेप्ट बनता हुआ चला जाएगा ठीक है तो आप चलते हैं आगे यहां पर नेक्स्ट पे आते हैं ठीक है क्वेश्चन पूछा गया है द रानी झांसी रेजिमेंट ऑफ द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज वॉज अंडर दोस् कमांड कहा कि रानी झांसी रेजिमेंट जो कि एक रेजिमेंट बनाई गई थी किस में? आपके आज़ाद हिंद फौज में तो इस आजाद हिंद फौज में इस जो रेजिमेंट का किसके कमांड में थी यह यूनिट रानी झांसी जो रेजिमेंट थी वो किसके कमांड में थी जय हिंद त्रिपुरचंद मेरी क्लास टाइमिंग डियर आठ बजे होती है और दस बजे होती है रात को सुबह सात बजे होती है तीन टाइमिंग है मेरा एक सुबह सात बजे मेरी क्लास होगी रात को आठ बजे पॉलिटी की क्लास होती है और रात को दस बजे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होती है तो तीन टाइम पे क्लास होती है एक दिन में सात बजे सुबह होगी फिर शाम को दो घंटे होगी एक आठ से नौ और दस से ग्यारह ठीक तो ये क्वेश्चन पूछा गया रानी पू, झांसी रेजिमेंट पूछा गया द वुमेन रेजिमेंट आजाद हिंद फौज वॉज अंडर दोज कमांड किसके कमांड में थे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है तो ये था आपका लक्ष्मी सहगल के उसमें बिल्कुल बहुत सही लक्ष्मी सहगल के कमांड में था ये लक्ष्मी सहगल एक ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं पूछा गया यहाँ पर वॉट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट जितने भी इवेंट यहाँ पे दिए गए बारडोली सत्याग्रह राजकोट सत्याग्रह नाप चंपारण सत्याग्रह या नागपुर सत्याग्रह तो इनको आपको क्रम में अरेंज करने के लिए बोला गया एक ऑर्डर में लेकर आना है यहाँ पर तो कौन से ऑर्डर में लेकर आना दैट वॉज आप पूछा गया वॉट इज द करेक्ट सिक्वेंस तो क्रॉनिकल ऑर्डर ये यूपीएससी में सीडीएस और एनडीए के लिए तो बिल्कुल एक कह सकते हैं फिक्स पैटर्न है ये अगर दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए तो मतलब पेपर ही नहीं हुआ ऐसा लगता है एनडीए सीडीएस का तो क्रॉनिकल ऑर्डर भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्रॉनिकल ऑर्डर जो आपका होगा ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी तो लिखवागे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले चंपारण क्योंकि गांधी जी आए तो चंपारण गए थे सबसे पहले उसके बाद जो सेशन हुआ था दैट वाज नागपुर ये होगा सेकंड नंबर पहले नंबर भी होगा सेकंड नंबर भी होगा मतलब कह सकते हैं पहले पे क्या होगा तीन होगा फिर चार होगा उसके बाद पूछा गया क्या होगा उसके बाद बारदौली हुआ था उसके बाद राजकोट हुआ था थ्री फोर वन टू ऑप्शन वाला जो भी ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं आगे द मंत्रा दू और डाई किसने दिया था मज्जियो और मरों का नारा किसने दिया ये मंत्र किसने पकड़ाया ये जियो और मरो का नारा किसने दिया था जियो तो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने जब आपका सहयोग आंदोलन चल रहा था यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो आपका पूछा गया महात्मा गांधी जी ने ये दिया था नारा अपना ठीक है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ये आपके तीन नाम बहुत अच्छे जानते होंगे आप लोग इनको ये पूछा गया यहाँ पर कब फांसी दी गई थी इनको कब फांसी दी गई थी वेयर हैंग ऑन क्योंकि कब दी गई फांसी तो आप इसको देखेंगे कब दी गई थी फांसी है तेईस मार्च उन्नीस सौ इकतीस शहीद इसको कोई नहीं भूल सकता है इसको किसी भी जी के टीचर को रटाने की ज़रूरत नहीं है ये जितने भी यंग हैं उनके लिए बिल्कुल क्या है? उसके लिए बिल्कुल एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं ठीक है तो ये ध्यान रखेंगे नेक्स्ट Which of the following commission committee was appointed by the British government to investigate into the massacre in Jallianwala Bagh? कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट मैसेकर ऑफ जलियावाला बाग जलियावाला बाग? बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सी कमेटी या कमीशन का गठन किया गया ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी कमेटी और कमीशन का गठन किया गया बताओ किसका किया गया था गठन हंटर <coughs> कमीशन का इसका किया गया था हंटर कमीशन वेरी गुड हंटर कमीशन का गठन किया गया था सेशन को आप लोग लाइक शेयर करना बोले बिल्कुल साइमन कमीशन नहीं था हंटर कमीशन था ठीक हंटर कमीशन का गठन किया गया था अब बात करते हैं आगे अक्टूबर ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर 26, 1947, In India, in इन इंडिया इन एन Indian डेट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ क्या है यहाँ पर क्या हुआ था ऐसा तो 26 अक्टूबर उन्नीस को क्या हुआ था तो क्या हुआ था यहाँ पर ठीक तो क्या होगा यहाँ पर क्या हुआ था महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था किस पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन पर कि आप मेरे कश्मीर पर एक समझौते के तहत उसको शामिल कर सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते तो ये आपका इंपॉर्टेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट डे है ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन ठीक है तो ये होगा आपका ए ऑप्शन आपका जो होगा महाराजा हरि सिंह साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन अब पूछा गया द कैबिनेट मिशन वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाई समे तो जो आपका होता है कैबिनेट मिशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है तो कहते हैं यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन प्रिसाइडर अभी मैंने बताया तीन लोग थे एवी अलेगजेंडर थे ठीक एवी अलेगजेंडर यहाँ पे जो होगा यहाँ पे हेड कौन होगा इसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हेड कौन होगा तो इसका होगा पैथिक लॉरेंस हेड हुआ करते थे इस समय कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे पैथिक लॉरेंस इसके हेड हुआ करते थे ठीक है अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी किस पार्टी से संबंध रखते थे जिस आपके जयप्रकाश नारायण जी जो हैं उनका संबंध किस पार्टी से था तो पार्टी का नाम अगर पूछा जाए तो कोई बताना ही नहीं चाहेगा पार्टी थी सोशलिस्ट ठीक है सामाजिक पार्टी की तरफ से कह सकते हैं कांग्रेस किसान ये वो यहाँ पे कौन सी पार्टी होगी दैट इज़ सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे ठीक है तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकिन एक बार फिर से अभी सारी जितनी भी बाधाएं थी लगभग लगभग गॉड अभी सही रखेगा आई होप लेकिन आप लोग जो मेरे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर तो साफ सुबह सात बजे जुड़ेंगे फिर शाम को आठ बजे जुड़ेंगे फिर रात को दस बजे जुड़ेंगे ये तो इतना आप जुड़ेंगे पढ़ेंगे ही हमारे साथ ये हमारा होगा वाई सेशन ये रेगुलर वाई सेशन होगा हमारा लेकिन जो आपका दूसरा जो हिस्सा होगा इसी पहलुओं का वो होगा ऐप आज से एक नया स्टार्ट हो रहा है स्पेशल क्लास सीरीज स्पेशल क्लास की एक बहुत बड़ी सीरीज है जिसमें मैपिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको करनी होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग होगी यहाँ पर और आपको चीज़ें देखी जाएंगी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की यहाँ पर मैपिंग आज से कराई जाएगी जो कि क्लास होगी ऐप पर छः बजे शाम को आज से स्टार्ट होना था लेकिन आज नहीं हुआ लेकिन छः बजे शाम को ये वाला केस आपके सामने होगा एक घंटे का क्लास आप मेरे साथ वहाँ कर सकते हैं थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं